हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ये फ्रंट एक्सल। आपका ये यूनिट फोर्थ का ही पार्ट है, स्टीयरिंग का। फ्रंट एक्सल आप लोगों को जैसे मालूम है कि एक रियर एक्सल होता है, एक फ्रंट एक्सल होता है, ठीक है। एक्सल वो हमारा पार्ट है जो चेसिस पे, चेसिस का ही एक पार्ट है। इस पे हमें फ्रंट एक्सल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एक्सल पे चेसिस माउंट होती है। सॉरी, फ्रंट एक्सल जो है हमारा, फ्रंट एक्सल पे स्टीयरिंग सिस्टम माउंट होता है, इसलिए हम फ्रंट एक्सल को ज्यादा हम स्टडी करना पड़ता है। ओके, फ्रंट एक्सल पे एक तो चेसिस माउंट होती है, दूसरी चीज फ्रंट एक्सल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यही हमारा गाइड करने के काम आता है। ये स्टीयरिंग सिस्टम क्या करता है, गाइड करता है हमारे फ्रंट एक्सल को, फ्रंट व्हील्स को, और ये फ्रंट व्हील्स जो गाइड हमारे होते हैं, ये होते हैं इसकी वजह से ये चेसिस लगी है। ओके, इस चीज का क्रॉस सेक्शन, आईओ सेक्शन का क्रॉस सेक्शन होता है। इसी चेसिस पे सस्पेंशन सिस्टम भी माउंट होते हैं। ये देखिए, सस्पेंशन सिस्टम इस पे माउंटेड है, और यही सस्पेंशन सिस्टम जो होते हैं हमारे, ये डैम्पर है। आपने देखा होगा जब फ्रंट जो पोर्शन होता है हमारा बोनट का, उस बोनट की जो टॉप एंड में आपने जो एंड्स में देखे होंगे, बोनट खोलोगे तो उसके एंड्स में देखना आप, वहां पे रबड़ की सीलिंग लगी होगी, और ये रबड़ की सीलिंग यही होती है, ये यहाँ पे उसी में माउंट होते हैं हमारे, ठीक है, बॉडी के अंदर ही माउंट होते हैं बेसिकली। ओके, अब इस चेसिस जो एक्सल है, इसी एक्सल पे हमारा जो है, इसी एक्सल सिस्टम पे हमारी, देखिए यहाँ पे हमारे ये एक एक्सल माउंटेड है और एक एक्सल ये माउंटेड है, ठीक है। अब कुछ हमारे एक्चुअली फ्रंट एक्सल, जैसे कि बात है फ्रंट एक्सल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा डेड एक्सल, एक होता है लाइन एक्सल और लाइव एक्सल, लाइन एक्सल और लाइव एक्सल, ठीक है। तो डेड एक्सल की बात की जाए तो डेड एक्सल सिंपल ये है कि डेड होगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रंट एक्सल बेसिकली यहाँ पे हमारे जो है ये टायर के हमारे स्टब एक्सल माउंट होता है, स्टब एक्सल के अलॉन्ग जो है हमारे व्हील जो है माउंटिंग होती है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा फ्रंट एक्सल। ओके, ये देखिए डैम्पर का टॉप दिखा रखा है इन्होंने, ये डैम्पर का टॉप है, ठीक है, ये डैम्पर का हमारा टॉप हो गया। ओके, ये डैम्पर का हमारा टॉप है। ओके, ये हमारा डैम्पर का टॉप हो गया। उसके बाद ये रियर सब फ्रंट है, सब फ्रेम फ्रंट, सब फ्रेम माउंट है रियर, ठीक है, ये रियर सब फ्रेम सब माउंट है। उसके बाद ये हमारी एक शाफ्ट होगी, एक शाफ्ट ही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सब फ्रेम हो गया, ये सब फ्रेम बोलते हैं, ये फ्रंट सब फ्रेम माउंट है। दीज आर दी कनेक्शंस बिटवीन लोअर आर्म एंड सब फ्रेम। ओके, तो बेसिकली फ्रंट फ्रैक्चर हमारा ये चीज है जिसे हम जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, फंक्शन क्या है हमारा फ्रंट एक्सल का। इट सपोर्ट द वेट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द व्हीकल। तो ऑब्वियसली बात है, जो फ्रंट पार्ट, जो हमारा इंजन का फ्रंट पार्ट है, वो किस पे माउंटिंग होती है, उसकी टोटल जो माउंटिंग होती है वो हमारी किस पे होती है, माउंटिंग हमारी टोटल जो होती है वो होती है हमारी, वो जो जो भी माउंटिंग हम करते हैं वो किस पे माउंटिंग होती है, वो बेसिकली हमारी माउंटिंग होती है हमारी व्हीकल की, किस पे, फ्रंट एक्सल के ऊपर। तो फ्रंट एक्सल के ऊपर जितनी भी माउंटिंग होती है, ये ऑटोमेटिकली जो वेट है उसको बेयर करता है। अब जैसे कि मैं आपको ट्रैक्टर की बात करूं, तो ट्रैक्टर के केस में क्या होगा, जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, फ्रंट जो एक्सल होता है आपने देखा होगा, उसमें फ्रंट एक्सल डेड लगा होता है, उसमें जो फ्रंट एक्सल होता है वो डेड होता है, ठीक है। अब डेड एक्सल होता है तो उसमें सिर्फ आपका टर्निंग के लिए ही काम आ रहा है बेसिकली। अब जो इंजन का सपोर्ट है वो सारा फ्रंट में ही है, ठीक है। तो किसी भी व्हीकल में मैक्सिमम जो व्हीकल्स होती है उसमें जो हमारा जितना भी लोड होता है वो कहाँ पे, जितना ही वेट होगा वो गाड़ी का कहाँ पर होगा, वो फ्रंट एंड पे ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, इट फैसिलिटेट्स स्टीयरिंग, तो ये स्टीयरिंग सिस्टम को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट, उसको ही कैसे इसको टर्न राइट लेफ्ट कैसे करना है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इट एब्जॉर्ब शॉक्स विच आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू रोड सर्फेस इररेगुलरिटीज। ठीक है, इट एब्जॉर्ब शॉक्स विच आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू रोड सर्फिस इररेगुलरिटीज। तो कुछ अमाउंट पार्ट हमारा जो फ्रंट एक्सल है वो भी हमारा रोड के शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो रोड की इररेगुलरिटीज हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है, तो बेसिकली एक फ्रंट एक्सल का काम हमारा ये भी है। उसके बाद आता है इट एब्जॉर्ब टॉर्क अप्लाइड ऑन इट ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग को जैसे पता है कि जब कोई ब्रेक लगता है, ठीक है, जब ब्रेक लगता है तो वहां पे उस समय
एक टॉर्क भी अप्लाइड होता है, तो उस टॉर्क को एब्जॉर्ब भी करना होता है। अगर टॉर्क एब्जॉर्ब नहीं होगा तो गाड़ी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक हमें जो टॉर्क है उसको एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है ब्रेकिंग के, ब्रेकिंग के टाइम में, तो वो भी हमारा फ्रंट एक्सल उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, उसके बाद आता है फ्रंट एक्सल। जो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो फ्रंट एक्सल जो है हमारा बना होता है आई सेक्शन मिडिल पोर्शन में, और सर्कुलर और इलेप्टिकल सेक्शन होता है एट दी एंड में। अब देखिए जो ये बात हमने बताई है आपको, आई सेक्शन का बना होगा, ठीक है, सर्कुलर इलेप्टिकल सेक्शन होंगे हमारे एंड्स पे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इनमें कैसा होता है। देखिए ये आई सेक्शन का है और इलेप्टिकल है एंड्स पे, ठीक है, ये कुछ इलेप्टिकल फॉर्म में बना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कुछ हमारा इस टाइप से है, ठीक है। द स्पेशल एक्स सेक्शन ऑफ द एक्सल मेक्स इट एबल टू विदस्टैंड बेंडिंग लोड ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल। तो जब व्हीकल का वेट पड़ता है तो उसकी वजह से जो बेंडिंग लोड होता है उसको ये बेयर करता है, एंड टॉर्क अप्लाइड अगेन, जितना जो टॉर्क हमारा अप्लाई हो रहा है उसको बेयर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये जो हमारा सॉरी कंस्ट्रक्शन ये है कि आई सेक्शन का बना होता है और इलेप्टिकल होता है हमारा एंड्स में, सर्कुलर या इलेप्टिकल होगा हमारा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट एक्सल। अब फ्रंट एक्सल की हम बात करेंगे, तो फ्रंट एक्सल जैसे कि आपको मालूम है फ्रंट एक्सल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेड फ्रंट एक्सल, एक होता है हमारा लाइव फ्रंट एक्सल। तो जैसे कि हमने बताया डेड फ्रंट एक्सल विच डोंट रोटेट, फ्रंट एक्सल जो हमारे डेड एक्सल होते हैं उनको अभी भी रोटेट नहीं करते, ठीक है, डेड एक्सल्स हमारे कभी भी रोटेट नहीं करते। ओके, उनकी रोटेशन नहीं होती। दीज एक्सल्स हैव सफिशिएंट रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू टेक द वेट। इनकी इतनी इतनी इनकी इतने इतना इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये इतने रिजिड होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि ये वेट ले सकते हैं, ठीक है। इन एक्सल्स की कैपेसिटी होती है वेट लेने की, ठीक है। तो इनकी इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी रिजिडिटी होती है कि ये वेट अपने आप बेयर कर सकते हैं। द एंड्स ऑफ द फ्रंट एक्सल आर सुटेबली डिजाइन टू अकोमोडेट स्टब एक्सल। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हमारे फ्रंट एक्सल होंगे चाहे डेड हो या लाइव हो, उनकी एक कंडीशन ये है कि उनका इतना उनकी डिजाइनिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि वो स्टब एक्सल को अपने यहाँ बेयर अकोमोडेट कर सके, वो अपने यहाँ स्टब एक्सल को जो है अकोमोडेट कर सके। तो बेसिकली ये हमारा जो है फ्रंट एक्सल का एक पहला टाइप था, इसके भी हम देखिए डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा रियल लाइव एक्सल है और ये हमारा फ्रंट लाइव एक्सल है। ये मैंने आपको लाइव एक्सल दिखाया, डेड जो एक्सल था जो हमारा फ्रंट पहला वाला था वही डेड एक्सल था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फिगर दिखाई थी वही डेड एक्सल ही है। मैं आपको लाइव फ्रंट एक्सल की भी फिगर दिखा दे रहा हूँ, देखिए लाइव है। तो आजकल जितनी गाड़ियां आ रही हैं मैक्सिमम जहाँ पे आपका दोनों जगह डिफरेंशियल लगा होता है, तो वहां पे जो है दोनों ही हमारे एक्सल जो होंगे वो लाइव कंडीशन में होंगे। ओके, वो दोनों ही लाइव कंडीशन में होंगे। यहाँ पर देखिए एक शाफ्ट लगी है हमारी, ये कनेक्शन है ट्रांसमिशन शाफ्ट का, ये प्रोपेलर शाफ्ट फ्रंट की है और ये बैक की है। ओके, तो ये हमारी रियल लाइव एक्सेल है और ये फ्रंट लाइव एक्सेल है। तो यहाँ भी डिफरेंशियल लगा है और यहाँ पे भी डिफरेंशियल लगा है बेसिकली। और ये देखिए ये हमारा अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ ये हमारा जो ये हमारा ड्रम का केस हो गया और यहाँ पे हमारी व्हील की माउंटिंग की जाती है, व्हील माउंटिंग स्टार्टेज। ओके, ऐसे ही हमारा इधर भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली डेड एक्सेल वो था और लाइव एक्सेल हमारा ये था, ठीक है। अब बात आती है लाइव एक्सेल और फ्रंट लाइन एक्सेल और लाइव एक्सेल, लाइव और लाइन एक्सेल। ओके, तो लाइव एक्सेल की बात करें तो दीज आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम, ऑब्वियसली बात है जब पावर की बात आती है तो जहां लाइव और लाइन का मतलब होगा तो वहां पे हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं गियर बॉक्स से फ्रंट व्हील्स को। तो ये बेसिकली हमारा हो गया, ये बेसिकली हमारा हो गया लाइन एक्सेल और लाइव एक्सेल। ओके, ठीक है, तो ये हमारा लाइन एक्सेल और लाइव एक्सेल हो गया है। तो इसका बेसिकली काम यही होता है कि हमारी जहां भी लाइव और लाइन एक्सेल की बात करेंगे तो जहां पे पावर ट्रांसमिट करने की बात आएगी तो वो हमारा गियर बॉक्स से फ्रंट व्हील्स को जो पावर ट्रांसमिट करेगा। तो पहला फंक्शन तो इसका ये हो गया। फिर बात हमारी आती है कि जो हमारे लाइन और फ्रंट एक्सेल है, जो हमारे लाइन और फ्रंट एक्सेल है, जो लाइन और फ्रंट एक्सल है, ठीक है, जो लाइन और फ्रंट एक्सल है, ऑल दो फ्रंट व्हील्स, ओके, लाइन फ्रंट एक्सल्स ऑल दो रिजेंबल्स रियर एक्सल्स बट दे आर डिफरेंट एट द एंड। तो ये ध्यान रखना, रियर
लाइव एक्सल और लाइव फ्रंट एक्सल दोनों की रिजेम्बलेंस सेम है, दोनों ही पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट उनके एंड्स में अंतर होगा, ठीक है, वेयर व्हील्स आर माउंट, जहाँ व्हील्स माउंट करते हैं उनके व्हील्स माउंटिंग में थोड़ा अंतर होगा। तो मारुति 800 जो है हमारी, उसमें लाइन फ्रंट एक्सल है, ओके, मारुति 800 जो है उसमें हमारी लाइन फ्रंट एक्सल लगा हुआ है, ओके। तो भैया हम लाइव एक्सल मैंने आपको दिखा दिया, अब बात करते हैं, देखिए लाइव एक्सल, देखिए जरा, देखिए लाइव एक्सल कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए क्रॉस मेंबर एक में ये रहा, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट से लगा हुआ, गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है ये भी, यहाँ हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा डैम्पर हो गया, ओके, ये कॉइल स्प्रिंग में डैम्पर लगा हुआ है, यहाँ पर डिफरेंशियल लगा रखा है इन्होंने, देखिए तो यहाँ से ये जो स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग के लिए काम आ रहा है, बाकी जो मोशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइव एक्सल आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू फ्रंट व्हील, तो ऑब्वियस सी बात है लाइव एक्सल जितने भी होते हैं चाहे वो रियर हो या फ्रंट हो, दे आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू दी फ्रंट व्हील्स, तो गियर बॉक्स से फ्रंट व्हील्स को पावर ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है लाइव फ्रंट एक्सल्स ऑल्दो रिजेंबल्स रियर एक्सल्स बट दे आर डिफरेंट एट द एंड, अभी हमने वही पॉइंट दोबारा पढ़ा कि इनकी रिजेंबलेंस सेम होती है बट डिफरेंट होते हैं एंड्स पे। तो जैसे हमारे मारुति 800 है, इसका एक ये बहुत लाइव एग्जांपल है, ओके, ये आप देख सकते हैं, देखिए शॉक एब्जॉर्बर, रेडियस आर्म, तो ये हमारा बेसिकली ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा पार्ट है आपका लाइव एक्सल, तो ये दिखा रखी है हमने प्रोपेलर शाफ्ट से दिखा रखी है, ये हमने ट्रांसफर कर दी, ठीक है, ये प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ लगी है और एक हमारी ये शाफ्ट यहाँ लगी है जो गियर बॉक्स से कनेक्टेड है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब आता है स्टब एक्सल, अब स्टब एक्सल की बात करें तो स्टब एक्सल कौन सा पार्ट है, तो स्टब एक्सल आर कनेक्टेड टू द फ्रंट एक्सल बाय किंग पिन। अब आप याद कीजिए मैंने व्हील अलाइनमेंट वाला जो मैंने वीडियो दिया था आपको, वीडियो जो मैंने व्हील अलाइनमेंट वाले में क्लियर किया था कि हमारा जो किंग पिन होता है वो कहाँ पर होता है और स्टब एक्सल कहाँ था, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टब एक्सल आर कनेक्टेड टू द फ्रंट एक्सल बाय किंग पिन, किंग पिन से कनेक्टेड होती है, फ्रंट व्हील्स आर माउंटेड ऑन स्टब एक्सल्स अरेंजमेंट फॉर स्टीयरिंग, ये जो हमारा स्टब एक्सल है हमारा स्टीयरिंग के लिए बेसिकली काम होता है, फ्रंट एक्स फ्रंट व्हील्स आर माउंटेड ऑन स्टब एक्सल अरेंजमेंट फॉर स्टीयरिंग इज कनेक्टेड टू स्टब एक्सल्स, ओके। नाउ स्टब एक्सल्स टर्न्स ऑन किंग पिन, सॉरी ये किंग पिन है, किंग पिन इज फिटेड इन द फ्रंट एक्सल बीम आई एंड इज लोकेटेड एंड लॉक्ड देयर बाय टेपर क्वार्टर पिन, यानी टेपर क्वार्टर पिन से लॉक्ड होता है तो वहां से हम इसको यूज करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है, ये कुछ हमारा एक, ये देखिए हमने दिखा रखा है, ये एक्चुअली क्या है ड्राइविंग काम होगी स्टीयरिंग के लिए दिखा रखा है, ये स्टीयरिंग बॉक्स यहाँ होता है, तो ये पार्ट जो इसका यहाँ कनेक्टेड है, देखिए ये पार्ट स्टब एक्सल है ना, ये वाला पार्ट एक्चुअल में स्टब एक्सल होता है, ठीक है, देखिए बता भी रखा है स्टब एक्सल है, ठीक है, ये पार्ट देखिए स्टब एक्सल का बता रखा है इसमें, ये पार्ट हमारा स्टब एक्सल है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसका पूरा स्टब एक्सल है, ठीक है, ये ट्रैक रॉड हो गया, ये एक्सल आर्म हो गया, एक्सल बीम हो गई, ये ट्रैक रॉड एंड पॉइंट हो गई, ट्रैक रॉड आर्म हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन या ड्रैग लिंक या ड्रॉप आर्म है, ये ड्रॉप आर्म, स्टीयरिंग बॉक्स है, ये स्टीयरिंग कॉलम, ड्राइव शाफ्ट है, ड्रैग लिंक बॉल जॉइंट है ये, तो ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा स्टीयरिंग के काम भी आता है स्टब एक्सल, ठीक है, स्टब एक्सल हम स्टीयरिंग के यूज पर्पस के लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कि अगर बात करूं तो ये हमारा क्या डेड एक्सल ही हो गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई, डेड एक्सल हो गया, तो यहाँ जो क्वार्टर जो हमारा स्टब एक्सल होता है इनसे डायरेक्शन दी जाती है स्टीयरिंग मैकेनिज्म को, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कोई भी हो, ओके। नाउ अब देखिए ये हमारा बेसिकली ये मैंने आपसे डिस्कस की कि स्टब एक्सल ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। अब किंग पिन, किंग पिन ये है, स्टब एक्सल ये है, तो स्टब एक्सल जो कनेक्टेड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, किंग पिन से कनेक्टेड होता है, और ये बीम एक्सल हो गई, ठीक है ना, ये बीम एक्सेल होगी हमारी, ओके। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आई की फॉर्म में ही होता है, ठीक है, और ये इलेप्टिकल हो सकता है, दोनों फॉर्म्स की हो सकती है, ठीक है, ये आई की फॉर्म में भी हो सकता है और इलेप्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ स्टब एक्सेल, अब स्टब एक्सेल की अगर टाइप बात करें कि स्टब एक्सेल की भी जो क्रॉस सेक्शन होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन सबका अलग अलग होता है, एक होता है एलाइट, रिवर्स एलाइट, लेमोनी और रिवर्स लेमोनी, ओके, इनका सबका यूज, सबके एप्लीकेशन अलग अलग है, सबके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा है एलॉयड, जो नॉर्मल लगा होता है वो एलॉयड होता है, ठीक है, स्टब एक्सल है ये, किंग पिन से कनेक्ट होगा और क्वार्टर पिन यहाँ पे लगी होगी जो इसको क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है, ये फ्रंट एक्सल हो गया, ठीक है,
उसके बाद होता है रिवर्स एलॉयड, रिवर्स एलॉयड में देखिए स्टब एक्सल यहाँ पर लगा होगा, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये डायरेक्शन ऐसे लगा था, इसका डायरेक्शन अब ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्वार्टर पिन लगी है, ये थ्रस्ट वॉशर लगे हैं यहाँ पे, थ्रस्ट वॉशर यहाँ पे भी लगे होंगे, ठीक है, थ्रस्ट वॉशर ने यहाँ पे लगा रखे। रिवर्स एलॉयड का मतलब एलॉयड को रिवर्स कर दिया। फिर आता है लेमोनी, अब लेमोनी की बात करें तो लेमोनी में स्टब एक्सल ये है, फ्रंट एक्सल ये है और किंग पिन ये है, ठीक है, ये किंग पिन हो गया। उसके बाद ये हमारा फ्रंट एक्सल हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टब एक्सल हो गया, ठीक है, और ये हमारा लेमोनी का पार्ट है, तो ये हमारा रिवर्स पार्ट है, ठीक है, मतलब ये लेमोनी का पार्ट है, तो लेमोनी में हमारा स्टब एक्सल की व्हील जो माउंट होगा वो यहाँ का ही माउंट होगा, ये फ्रंट एक्सल वाला पार्ट देगा, ठीक है। इसका रिवर्स कर दिया, रिवर्स लेमोनी का, तो स्टब एक्सल ऊपर चला गया, ठीक है, फ्रंट एक्सल हमारा यहाँ पर आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किंग पिन से कनेक्टेड होता है। अब बात आती है एलाइट, एलाइट जो हमारे एलाइट हमारे जो होते हैं, एलाइट जो हमारे होते हैं ये बेसिकली हम यूज करते हैं मैकफर्सन, मैकफर्सन जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। एलाइट जो है हमारा बेसिकली मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम जो होते हैं आपने देखे होंगे, जितनी भी ऑफ रोडिंग गाड़ियां चलती हैं वहां पे भी इसका यूज होता है, जितनी भी ऑफ रोडिंग गाड़ियां चलती हैं वहां पे इसका यूज होता है। और विशबोन टाइप में जो विशबोन सस्पेंशन सिस्टम होता है और मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम होता है, ये वहां पे एलॉयड जो है यूज किया जाता है, बेसिकली सबसे ज्यादा देखने में वही मिले हैं। हम अगर कोई गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, जैसे हम कोई क्वाड बाइक डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम लगाते हैं। विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम थोड़ा सा इंक्लाइंड शेप में होता है, ठीक है, उसका कैम्बर एंगल अलग होता है, कास्टर एंगल अलग होता है, ठीक है, उन दोनों में विशबोन टाइप लगे होते हैं। और उस विशबोन में हमें उसी विशबोन सस्पेंशन सिस्टम में हमें एलाइट भी यूज करना पड़ता है, एलाइट ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका पार्ट है। और क्वाड बाइक और जितने भी है उसमें मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम भी लगता है और विशबोन सस्पेंशन सिस्टम भी लगता है, ठीक है, तो सस्पेंशन सिस्टम के अलग अलग पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं, अब जो हमारा पार्ट है ये तो फ्रंट पार्ट था हमारा फ्रंट एक्सल का, वो आप लोगों को फ्रंट एक्सल क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है हमारा, हमें जो बात आती है वो आती है हमें ब्रेकिंग सिस्टम की, ठीक है। अभी जो ब्रेकिंग सिस्टम है हमारा, ये ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुअल में यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले बात ये आती है कि ब्रेकिंग सिस्टम यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। अब ब्रेकिंग सिस्टम की बात अगर करें तो ब्रेकिंग सिस्टम का यूज क्या है, ये देखिए, अब ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग सिस्टम का यूज क्या है कि ब्रेकिंग सिस्टम हमारा बेसिकली एक वो डिवाइस है जो व्हील्स को स्टॉप करने के काम आता है या स्लो डाउन करने के काम आता है, ठीक है। ये हमारा कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम लगा है इसमें, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम एक तो इसका ये पर्पज हो गया। अब देखिए पर्पज की बात करूँ तो ब्रेकिंग सिस्टम का जो पर्पज है उसकी बात करेंगे, तो ब्रेक सिस्टम क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है दैट इनहिबिट्स मोशन बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अ मूविंग सिस्टम, इट इज यूज्ड फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग अ मूविंग व्हीकल, ठीक है, व्हील एक्सल और टू प्रिवेंट इट्स मोशन, मोस्ट ऑफन अकम्प्लिश्ड बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम ये फ्रिक्शन की वजह से अकम्प्लिश हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है उस पर डिपेंड करता है, कितनी वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप तेज गाड़ी चलाओगे उतने आप जब ब्रेक मारोगे तो उतनी उसकी जो डिस्टेंस होगी हमारी स्टॉप करने की वो बढ़ जाएगी, जितनी गाड़ी धीरे चलेगी उसमें ब्रेक उतना कम लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक की भी इंटेंसिटी होती है, किस फोर्स से लग रहा है, किस पावर से लग रहा है, ठीक है। मैक्सिमम जो ब्रेक हम यूज करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली ब्रेक यूज करते हैं, वो फ्रिक्शन हो रहे हैं बिटवीन टू सर्फेसिस प्रेस्ड टुगेदर टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इनटू हीट, ठीक है। तो जितने भी ब्रेक्स हमारे कॉमनली यूज करते हैं वो फ्रिक्शन होते हैं उन दोनों के बीच में, दो सर्फेसिस को प्रेस करते हैं एक साथ और कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू हीट में। दो अदर मेथड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन में भी एम्प्लॉयड, ठीक है, दो अदर मेथड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन में भी एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल अब रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम भी होता है, मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम भी होता है, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल रीजनरेटिव ब्रेकिंग कन्वर्ट्स मच ऑफ द एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मे बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, वो हमारा एनर्जी को
वो एनर्जी को हमारे स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें मतलब एनर्जी को जो है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करता है और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रेक की अगर बात करें तो ब्रेक में सिस्टम में हमें दो चीज होती है, एक होती है मैनुअल ब्रेक, होता है पावर ब्रेक। अब मैनुअल ब्रेक की बात करें तो मैनुअल ब्रेक हमारा वो ब्रेक है जिसमें हम मैनुअली अप्लाई करते हैं मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू। ठीक है, पावर ब्रेक भी हमारा मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू ही अप्लाई होता है, बट उसमें जो अप्लाइंग प्रेशर है दैट इज द फ्लूइड, वो पावर ब्रेक कहलाता है। बेसिकली आपने देखा पावर ब्रेक में हम डॉट फोर डॉट थ्री लिखा रहता है, डॉट फोर डॉट थ्री यूज करते हैं। ठीक है, पावर ब्रेक में, बट एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि फ्लूड के अंदर कोई भी एयर गैप नहीं होना चाहिए। इफ इन केस एनी अगर एयर गैप उसके अंदर आ गया, इन केस उसके अंदर अगर एयर गैप आ गया तो एयर गैप आने के बाद क्या होगा कि आप फ्लूड का प्रेशर लगाओगे तो वो उतना अप्लाई नहीं हो पाएगा। फ्लूड का प्रेशर कितना भी लगाओगे तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मोस्टली ये देखा गया है कि ब्रेक्स हमारे, अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल ब्रेक ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू पावर ब्रेक। पावर ब्रेक होते एफिशिएंट है, ठीक है, पावर कम लगानी पड़ती है, सब चीजें हैं, बट मैकेनिकल ब्रेक की लाइफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पावर ब्रेक। देखिए दोनों में ड्रम कंडीशन होती है, अभी मैं ड्रम भी आपको दिखाता हूँ, मैं आपको भी ड्रम भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम में हमारा ये होती है कैम, यहाँ कैम लगी होती है, कैम हमारी रेक्टेंगुलर शेप की होती है और साइडेड से ये कॉर्नर जो होते हैं इसके राउंडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कैम होती है, आपने कैम देखी है। उसके बाद ब्रेक ड्रम आउटर पार्ट, ब्रेक ड्रम आउटर पार्ट, ओके। उसके बाद हमारा जो ये ब्रेक ड्रम आउटर पार्ट हो गया, उसके बाद ब्रेक लाइनिंग्स हो गई, ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है, ये स्प्रिंग्स हो गए हैं, ये ब्रेक शू हो गया, ये वाला ये पार्ट ब्रेक शू है, ये ब्रेक प्लेट है, ठीक है, ये हमारा एंकल है। बेसिकली मैकेनिकल हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कितने टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। ओके, तो होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर होंगी। थैंक यू।